नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां शबाब पर है। इस चुनाव में आम आदमी खास है और खास आदमी आम बने हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रत्याशी अपने अपने लश्कर के साथ जनता के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रही है। इस चुनाव में झूठ, मक्कारी, बेवफाई जैसे तमाम आरोप भी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। देवास में आने वाली 13 तारीख को आम जनता अपने नेता चुनने जा रही है। उससे पहले ही जनता के सामने कांग्रेस के एक नेता ने अपने आप को आम बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रत्याशी पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने पत्रकारों के समक्ष कहा, गीता दुर्गेश अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता कम है, ऐसी जनचर्चा है। देवास की चुनावी सरगर्मियां शबाब पर है। इसी बीच मुद्दा अब शिक्षा पर आ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं नेता नहीं आम नागरिक की हैसियत से उठा रहा हूं सवाल। इस मामले पर भाजपा नेता दुर्गेश अग्रवाल का कहना है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि 500 करोड़ की नगर निगम शिक्षित और योग्य हाथों में बागडोर होनी चाहिए। बढ़ते हुए और चुनावी सरगर्मी खूब बढ़ रही है। पार्षद हुए, महापौर, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जो शहर केंद्र से जुड़ा हुआ है। नगर निगम जिसका 500 करोड़ का बजट होता है, और क्योंकि मैं स्वयं भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे पार्टी के द्वारा कहा गया आपको लड़ना पड़ेगा और आप लड़ी, आप उपयुक्त उम्मीदवार हैं। मैंने अपने कदम इसलिए पीछे खींच लिए कि मैं पूर्व मेरे बयान है कि मेरी धर्मपत्नी 8वीं उत्तीर्ण है, तो मैंने उसको सार्वजनिक रूप से उस बात को माना और सार्वजनिक उस बात को लोगों के सामने कहा कि मैं सहित से अपने कदम उठाता हूँ। महापौर कोई उस सीट के ऊपर जो भी महिला बैठे चाहे गृहणीय रहे, लेकिन वो शिक्षा उसकी खूब रहे, शिक्षित रहे, ताकि इतनी बड़ी नगर निगम को संभाल सके। अभी जैसे ही चुनाव चालू हुए हम सब अपने अपने क्षेत्रों में लग गए। अभी मुझे आज जब जानकारी लगी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्माननीय गीता दुर्गेश अग्रवाल जी ने अपना जो नामांकन जमा किया, उस नामांकन जो सूचना के अधिकार में उसको प्राप्त किया, उसमें जो त्रुटियां मेरे सामने आई, मैंने जिस प्रकार से अपनी बात शहर के सामने रखी, एक कांग्रेस पार्टी को अलग हटाकर देवास का एक नागरिक होने का परिचय देते हुए मैं देवास के सभी मीडिया साथियों के माध्यम से देवास की जनता के सामने बात रखना चाहता हूँ कि जो नामांकन फॉर्म जमा है इसमें त्रुटियां बहुत है, लेकिन कुछ त्रुटियों के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। 14-15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो नामांकन जमा हुआ उसमें गीता दुर्गेश अग्रवाल ये स्वयं प्रत्याशी है, नंबर इनके पतिदेव का लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद में इसमें कमल का फूल निशान पर मांगा गया, कमल का फूल एवं कांच का गिलास, नल और गिलास एक ही मांगा गया, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरा, बहुत सारी एनओसियां एनजीपी के जो जहाँ निवास करते हैं जिस प्रकार से जो की एनओसियां उनको देना थी वो नहीं है, सबसे बड़ा कारण जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ